नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। और अभी मेरी मौजूदगी सूर्यगढ़ा प्रखंड के टोलपुर पंचायत के निष्ठा गांव में अवस्थित कैलाश धाम मंदिर में है। और अभी कुछ लोगों के द्वारा व्हाट्सएप पे एक वीडियो को भेजा जा रहा है और उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया जा रहा है। और उस वीडियो की क्या है सत्यता, और उस वीडियो को दिखाने से पहले हम जो वो जिस प्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है, सेम उस चीज की सत्यता को जांचने के लिए कि क्या इस प्रकार की हो रही है बात, यह है सिर्फ भ्रम। क्योंकि शोर हो चुका है कि सावन के पावन महीने में भगवान भोले शंकर के सवारी यानी नंदी भगवान पी रहे हैं जल, कर रहे हैं जल को ग्रहण। और लोग इस वीडियो को देख करके मंदिर मंदिर जाकर के भगवान नंदी को जल पिलाने का कर रहे हैं प्रयास। और अभी हमें आदर्श ग्राम निष्ठा के एक मंदिर में यानी कैलाश धाम मंदिर में, और यहाँ भी इस गांव के लोग और जो कि इसी रास्ते से होकर के सुल्तानगंज को जाते हैं और सुल्तानगंज में जल भर करके बाबा बैजनाथ धाम की 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, वैसे भी शिव भक्त इस मंदिर पे रुकते हैं और रुके हुए भी हैं। आपको लेकर के चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में और इस बात की पुष्टि करते हैं कि हकीकत में नंदी भगवान यानी भोले शंकर की सवारी नंदी जल को पी रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, या एक तरह से कहा जाए कि भ्रम है। लोगों को भ्रमित करने के लिए वीडियो बना करके शेयर किया गया है। आइए हम चलते और आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीर। थोड़ा सा हटे बाबू रे, और आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे, देख ले, थोड़ा सा उसको आने दो, इधर इधर नीचे थोड़ा सा हटो बाबू। आइए देखें कि ये शिवलिंग है और यहाँ पे एक कहाँ से आए हैं बम जी आप? गाजीपुर से। तो क्या ये हकीकत में भगवान नंदी आपके जल को ग्रहण कर रहा है? सत्यता है, एकदम सत्यता है, आप सत्यता है, आप देख लीजिए, कुछ स्वयं देख लीजिए, दिखाते हैं थोड़ा सा लाइव शो दो तो बंदर बाबू चिकित्सा जाओ दिख रहा है और नजदीक से थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको कि देखें कि हकीकत में आखिर जल को ग्रहण कर रहे हैं भगवान नंदी या नहीं। और उसके बाद आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं कि यह लाइव तस्वीर सूर्यगढ़ा प्रखंड के निष्ठा गांव के कैलाश धाम मंदिर से अभी हम लाइव है और आप अपनी आंखों से देखें और समझे कि यह इस प्रकार का जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है कि सावन के पावन महीने में भगवान भोले शंकर के। और आपको हम जूम करके ये तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं और देखें कि भगवान नंदी, थोड़ा सा लाइट छोड़ो बाबू, पी रहा है या नहीं पी रहा है इसको आप देखें लाइव तस्वीर में। और जो पिला रहे हैं कहाँ से आए हैं बम जी आप? गाजीपुर जिले से आए हैं। इनसे हम फिर बात करेंगे, लेकिन पहले आप देखें लाइव तस्वीर और पिला, ये जो पिला रहे हैं उनका, और देखें यहाँ पे भगवान भोले शंकर का शिवलिंग है और ये पिला रहे। थोड़ा सा बाबू लाइट छोड़ो, हम लाइट दिखाना चाहेंगे। देखे कि एक छोटा सा पीतल का ये लोटकी कहा जाए कि लोटा है और चम्मच से, थोड़ा सा लाइट जला रहे बाबू, आप देखें कि चम्मच से जल और कुछ मात्रा में जल नीचे हाथ में एक माता श्री के हाथ में गिर रहा है, लेकिन हकीकत में यह जल देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से एक बम जी जो जाएंगे देवघर को सुल्तानगंज से जल भर करके, उनके द्वारा भगवान भोले शंकर की सवारी नंदी को चम्मच से जल पिलाया जाता हुआ। और अब चलते हैं बाहर और आप देख लें कि यहाँ पे कितने की संख्या में ग्रामीण यहाँ पहुंच चुके हैं और भगवान भोले शंकर यानी नंदी को। और अब आप इनसे हम बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस वीडियो की सत्यता क्या है। अब आप बताएं
कि अभी आपने अपने हाथों से सबसे पहले तो ये बताएं आप कि आप आए हैं तो किस जिले से? हम गाजीपुर जिले से हैं। आपका नाम क्या हुआ भैया? अनिल कुमार गुप्ता। अनिल कुमार गुप्ता जी। हाँ। और ये हमारे दोस्त, ये हमारे भाई हैं छोटे। ये आपके भाई हैं। हाँ। और अन्य सहयोगी भी लोग हैं आपके गाँव से भी होंगे जी। तो अभी जैसे इस गाँव के लोग वीडियो को देखा और यहाँ पे आकर के भगवान भोले शंकर की सवारी नंदी को जल पिलाने के लिए और आप भी उसमें शामिल हुए, अपने हाथों से पिलाए, तो क्या आपको क्या सत्यता क्या लगा? सत्यता यही है कि नंदी महाराज मान ली जल ग्रहण कर रहे थे, हमने अपने हाथों से स्वयं पिलाया है और भी मान ली माता बहनों ने पिलाया है और भी माता बहनों ने पिलाया है जल को, तो उनके लिए आज सुबह तो हमने भी सोचा कि हमने भी तो हम भी थोड़ा सा पिला लें, तो हमने भी कम से कम 10-12 चम्मच पिलाया है, पिए हैं। अच्छा, 10-12 चम्मच पिलाए हैं, ये धर्म स्थल है जी, तो आप जा भी रहे हैं बाबा बैजनाथ धाम की नगरी जी, तो इस घटना को कि आप अपने हाथों से चम्मच से जल को पिलाए, आपको लगा कि जल हकीकत में पी रहा है, तो इसको धर्म से जोड़ करके देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, ये विज्ञान से एकदम धर्म से, विज्ञान क्या है इसमें तो अध्यात्म है, अध्यात्म एकदम अध्यात्म है। तो क्या आप भी चाहेंगे कि आपके तरह और लोग भी नंदी भगवान को जल एकदम एकदम पिलाएं, एकदम एकदम पिलाएं? यहाँ तो साक्षात हम लोगों ने देख लिया, या एक तरह से कहा जाए कि साक्षात बाबा भोले नंदी महारी जल ग्रहण सावन का महीने में हमारा तो सौभाग्य, हमारा तो भाग्य खुल गया कि हमने अपने हाथों से उनको जल अर्पण कर दिया। जल अर्पण तो बहुत खुश है, इतना खुश है कि आप बता नहीं सकते उस चीज को। आपका कुछ कहना होगा बंजी? लो भाई साहब को देखे पिला रहे थे वहाँ प्रत्यक्ष में, अपने नजर से देखा कि 8-10 चम्मच पानी खराब होते हम देख रहे थे, लेकिन पानी चम्मच के समान। और हम आपको दिखाएंगे कि यदि संभव हो तो एक बार हम चाहेंगे कि और यदि कहीं चम्मच हो तो ला करके आपको फिर से हम लाइव तस्वीर इन्हीं के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, ताकि आपके आंखों पे विश्वास हो कि इनके द्वारा जो बात कही जा रही है कि सावन के पावन महीने में भगवान भोले शंकर की सवारी यानी नंदी भगवान जल को कर रहे हैं ग्रहण, लोग पिला रहे हैं चम्मच से, वो पी रहे हैं, जिनका की प्रत्यक्षदर्शी ये है कि इन्होंने अपने हाथों से पिलाया है। और थोड़ा सा हम चाहेंगे कि ये इस लोग जब इस वीडियो को देखे इस चैनल के माध्यम से, तो इस मंदिर के गर्भगृह में जो भगवान भोले शंकर का शिवलिंग है और यहीं पे कहा जाए कि छोटा सा नंदी भगवान है, और यहाँ पे देखे कि अन्य भगवान की प्रतिमा, ये ब्रह्मा जी हैं और उधर माता शक्ति यानी पार्वती और उधर सिद्धि विनायक गणेश महाराज विराजमान है, और यही नंदी जी जो है अभी ये बाबा भोलेनाथ के भक्त के द्वारा इसी नंदी भगवान के यहाँ मुंह में पिलाया गया चम्मच के द्वारा जल और जल किया ग्रहण, और उनके उपरांत हमने लाइव तस्वीर भी दिखाया था, और लाइव तस्वीर उपरांत आपने देखा कि किस प्रकार से जल को ग्रहण किया गया। और आगे चले चम्मच है चम्मच क्या नहीं आप पिलाते देखे हैं अभी? नहीं भी नहीं देखे हैं। आप भी ट्राई मारेंगे क्या? हाय चम्मच का यदि व्यवस्था हो आप बने रहे जुड़े रहे। एक महिला शिव भक्त है जो कि सुल्तानगंज से जल भर करके देवघर को जाएंगे, लेकिन भाग्यवश कहें कि ये अभी मंदिर में विश्राम करने के लिए रुके हैं, और इनकी भी दिली इच्छा है कि हम भी भगवान नंदी को जल पिलाएं, इनके लिए चम्मच और लोटा यानी पात्र की व्यवस्था की जा रही है। आपके पिलाने की दिली इच्छा है ना? हम पिलाएंगे थोड़ा सा। हम चाहेंगे कि यहीं पे होगा चम्मच, यहाँ के जो पुजारी है उनसे मांगा जाए और आपको पिला करके जो दिक्कत जैसे ही ये पिलाएंगे अपने हाथों से उनका भी लाइव तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहें, बने रहें, आपको लाइव तस्वीर के किस प्रकार पीते हैं भगवान नंदी जल, या भ्रम है, अंधविश्वास है या सत्य, इन्हीं के हाथों से आपको अभी पिलवा करके आप अपने आंखों से देखेंगे कि हकीकत में कर रहे हैं ग्रहण या कुछ और। थोड़ा सा इधर का तुम तब तक अगला बात यहाँ पे है, थोड़ा सा रुके रहे कारण कि इसी में लेता हूं। आप लाइन पे बने रहे और जुड़े रहे इस मंदिर के गर्भगृह से, आप स्वजन समाचार के माध्यम से लाइव तस्वीर देख रहे हैं और लाइव दिखाएंगे
और आप अपने आंखों से देखेंगे, हम अपने हाथों से भी पिलाने का करेंगे प्रयास कि हकीकत में भगवान नंदी पी रहे हैं जल, या एक भ्रम है, अंधविश्वास को फैलाया गया है, या है हकीकत। एक शख्स तो मैंने आपको दिखाया, जो शिव भक्त यहाँ विश्राम करने के लिए रुके हैं, जो जाएंगे देवघर को, उनके द्वारा लाइव तस्वीर और उनके जुबा से भी आपको सुनाया। लेकिन कुछ देर करें इंतजार, बने रहे, जुड़े रहे। एक महिला बन के द्वारा अभी आपके आंखों के सामने उनके हाथों से यहाँ पिलाने का किया जाएगा प्रयास। क्या हकीकत में भगवान नंदी पीते हैं जल, या लोगों के द्वारा फैलाया गया भ्रम, इसको आप अपने आंखों से सदन समाचार के माध्यम से देखेंगे और देखें कि एक महिला शिव भक्त यहाँ आ रही हैं। और इन्हीं के हम कैमरामैन से चाहेंगे कि जो पहले थोड़ा सा उनका पूरा दिखाएंगे तस्वीर, जब वो पिलाएंगे, बैठिए, देखिए कि ये किस प्रकार से अब यहाँ पिलाने का करते हैं प्रयास। लीजिए, अब अपनी आंखों से देखें और कैमरामैन से हम चाहेंगे कि जब ये पिला है तो देखें, नजदीक आके थोड़ा सा यहाँ से दिखाइए, जल्दी से नेट ऑन कर लेगा, फिर व्हाट्सएप लिंक भेज देंगे। फटा के देखो, उल्टा पिला रहे हैं, ऐसे देख के पिला दिया, ऐसे बात कीजिए, ऐसे बात कीजिए, देखिए क्या है, आप देख रहे हैं, लेकिन अभी तो ये पी नहीं रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि आप फिर से आप अपने हाथों से पिलाइए, देखिए क्या पता चलता है, क्या निकल के आता है कि पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। देखिए, दीजिए तो बम जी, आप दीजिए, नजदीक से दिखाइएगा, देख रहे हैं, अभी नहीं पी रहे, पता चल जाएगा। देखें आप लाइव तस्वीर कि पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। क्या लगा, पी लिए, पी लिए, हाँ पी लिए। तो देख रहे हैं कि आप लाइव तस्वीर, और देखें कि एक ग्रामीण के द्वारा भी पी करके इसका परीक्षण किया जा रहा है। आप दीजिए, दीजिए, आप देखते रहें और इसका निष्कर्ष निकल करके आएगा हकीकत कि क्या है। एक महिला बम को अनुभव हुआ कि जल नहीं पी रहा है, लेकिन एक बम जी का कहना हुआ कि पी रहा है। अब एक ग्रामीण के द्वारा पिलाया जा रहा है जल, पी रहा या नहीं पी रहा है, चलो खड़ा हो जाओ, देख लीजिए। अब आपको दिखा बात, जो अभी तीन व्यक्ति के द्वारा पिलाया गया उन्हीं के कहना है, आपको क्या लगा, पी रहा है या नहीं पी रहा है, हकीकत बताइएगा। हम तो हाथ, पानी तो हाथ में आ रहा है, पानी का पानी नहीं पी रहा है, थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा दोबारा पहले पी रहे थे, ठीक, अब दो तीन को दोबारा फिर पिलाइए, थोड़ा सा खाली कैमरा से आगे हट के रहिएगा आप लोग, देखिए, आप देखिए हकीकत, पीते हैं या क्या होता है। कुछ बूंदे तो नीचे भी गिर रही है, नजदीक से चाहेंगे कैमरामैन की नजदीक से दिखा, पी रहे हैं या क्या है, क्या पी गए, लेकिन ये अच्छा, ये जो एक एक मिनट, अब हकीकत आपको, अब अपने हाथों से हम आप दिखाते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा बम जी, आप पिलाइए, हम नीचे हाथ लगाते हैं, दिखाते हैं कि कितना बूंद ये पानी नीचे गिरता है, ये देखिएगा मेरे हाथ पे, अभी कम नहीं पी रहे हैं, उस समय पी रहे थे, उस समय पी रहे थे, नहीं पी रहे हैं। ये देखें कि हकीकत ये भी है कि नीचे आपके सामने जो हमने हाथ लगाया, उस हाथ पे इस छोटा सा चम्मच का भाग का पानी मेरे हाथ में भी है। अब इससे आप लगाएं अंदाजा, और प्रत्यक्षदर्शी, जिन्होंने तीन प्रत्यक्षदर्शी अपने हाथों से पानी पिलाने का किया है प्रयास, अब इन्हीं तीनों से जानते हैं भैया, अब आपका क्या कहना, ठीक ठीक, अब आपका क्या कहना,
अभी नहीं पी रहे, इससे पहले पी रहे थे। हमने स्वयं पिलाया है, दूसरे को क्या कहना है? दूसरे को क्या कहना है? हमने तो स्वयं पिलाया है अपने हाथों से। तो देख ले कि इससे पहले कुछ देर पहले जल पिलाने का प्रयास किया गया इन्हीं के हाथों, तो कहना हुआ कि पी रहा है या अध्यात्म है, भक्ति भाव है, अभी सनातन धर्म का पावर है, यही सनातन धर्म का यही पावर है। तो क्या और लोगों को चाहेंगे कि वो भी आकर के इसका प्रत्यक्ष? हाँ, प्रत्यक्ष करे, लेकिन अभी फिलहाल में नहीं पी रहे हैं। फिलहाल नहीं? हाँ फिलहाल नहीं है। ऐसा थोड़ा कि भगवान 24 घंटा बैठ के सबके आंसू पोंछ रहे हैं। यानी आपका कहना ये है कि हो सकता है कि भगवान का प्यास मिट गया? हाँ प्यास मिट गया हो, फिर जगेगा प्यास? फिर जगेगा तो फिर पियेंगे, फिर पिए। जैसे हमको आपको प्यास लगता है, पेट भर जाएगा तो थोड़ी पानी पीते रहेंगे हम लोग, इसी तरह से भाई वो भी है। तो देखा आपने कि किस प्रकार की है जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण। बने रहे सदर समाचार के साथ। नमस्कार।